गाइस इनके अंदर आप देख सकते हो बहुत पानी इनके अंदर भी और सामान सभी ऊपर नीचे रखा हुआ है, अलमारी फ्रिज। वेलकम टू गाइस माय न्यू ब्लॉग वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों इस टाइम मैं मोतीपुरा गांव में, ये गदरपुर से पहले गांव है। गांव की स्थिति बहुत ख़राब है, यहां कई लोगों ने रात को खाना नहीं बना, रात को खाना नहीं खाया, दूसरे गाँव से खाना आया है और इनके घर में जो भी है सामान फ्रिज कूलर जो भी बेड है काफ़ी नुकसान हो चुका है। और सारे अभी आपको आगे दिखाते हैं कैसे कैसे लोग रात निकाली इन्होंने, पानी बढ़ता ही गया। रात तो बहुत पानी हो रहा था, इस टाइम तो 2-3 फीट कम हो गया है। दोस्तों आप देख सकते हो ये रात के काफ़ी परेशान है मोतीपुरा गांव, किले खेड़े से पीछे गदरपुर से पीछे, और काफ़ी परेशान है रात के और खाना बनाने से परेशान है। रात बहुत पानी हो गया था, थोड़ा 3 फीट कम हो गया, पर अभी भी स्थिति काफ़ी ख़राब है मोतीपुरा गांव की। और आप देख सकते हैं ना घर इन्हें उनके घर पे कितना कितना पानी है, और एक बुज़ुर्ग माता, देखो बच्चे भी बहुत परेशान हैं यहाँ। और आप इनके घर पे देख सकते हो कितना पानी इस टाइम भी है। घर के अंदर की स्थिति आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा पानी है अभी भी, 2-2.5 फीट, और बच्चे कैसे परेशान हैं, बहुत ज़्यादा पानी हुआ पड़ा है। और आप पीछे देख सकते हो यहाँ भी कितना पानी है, और लोग बहुत ज़्यादा, गांव के सभी ज़्यादातर परेशान हैं। तो गाइस आप देख सकते हो इनका नल कितना डूबा, और ये बाथरूम है, हर जगह पानी पानी हुआ पड़ा है चारों तरफ। ये किस टाइम लगभग पानी बढ़ना चालू हुआ गांव में? पूरी रात बरसात हुई। गांव का नाम क्या है? मोतीपुर। मोतीपुरा। हाँ पूरी रात बरसात हुई है, दशमा खुली है तो बस पानी चलवाई चल हुआ था बच्चे, ऐसे में उठ उठ के भागे, बच्चों को संभाला, ऐसे में नहीं बच्चे में कुछ सारा राशन भीग गया, सारा राशन खाना भी बनकर दूसरे गाँव से आया, खाना भी दूसरे गांव से बन गया है, खाना भी बना रहा है। चूल्हे ना देखा पूरा पानी, वो यानी काहे नहीं सुनता, आते देख के चले आते हैं, घर पे 2-3 दिन पर पानी है। जी हां, आप देख लो अंदर 4 तरफ पानी का, पैड पूरा भीग गया, कपड़े भीग गए, बच्चों के हालात देखो, और राशन और फ्रिज देखो कैसे डूबी पड़ी है। गाइस काफी स्थिति खराब है मोतीपुरा गांव की, एक किले खेड़े से कदरपुर से पीछे है, देख सकते हो आप बहुत पानी है यहाँ भी, पूरे घर में पानी पानी हुआ पड़ा है। और ये देखो जानवरों के भी काफी बुरे हालात हैं, और लोग और ये आप अंदर देख सकते हो घर के अंदर की बहुत स्थिति खराब है। आप फ्रिज देख सकते हो कैसे, और इधर से ये दीवार गिर गई, देख सकते हो आप, इन्होंने सुबह से खाना तक नहीं खाया। आप देख सकते हो ये मोतीपुरा गांव के बहुत बुरे हालात हैं, रात से कहीं ने खाना नहीं बनाया, और खाना भी दूसरे गांव से आया है, अभी भी है 3-3 फीट पानी, और लोगों की फ्रिज अलमारी सोफा गद्दा जो भी है सब भीगे पड़े। देख सकते हो आप हर घर में पानी पानी, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, यहाँ काफ़ी लोग परेशान हैं, सरकार से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। तो यहाँ भी आगे देख सकते हो बच्चे और सभी परिवार वाले बहुत परेशान हैं। वैसे आप बता सकते हो ये इस गांव में मतलब जब से रात पानी आया, कोई आपसे कुछ पूछने को आया कि नहीं? नहीं आया भाई साहब, ना तो प्रधान आया, प्रधान के द्वारा भी 2-3 बार फोन करा तो वो कह रहा है जब से प्रधान बने आए नहीं। तो जब से प्रधान बने कोई कोई बेनिफिट नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, मतलब हमने ऐसे सुना है कि यहाँ पानी जब भी बरसात आती है यहाँ पानी पानी हो जाता है, पानी हो जाता है, आप देख ही रहे हो पूरे, और पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वहाँ से आगे से नाले फट मतलब बहुत, और पीछे घर बता रहे हैं कि रात का खाना भी नहीं कहीं ने बनाया, कि दूसरे मेरे घर में बनवा के खाया कुछ लोगों ने। अच्छा मतलब जिनके घर थोड़ी सूखी जगह है उनके घर पे ही, और आप बच्चों को भी देख सकते हो बच्चे भी रात से परेशान हैं। अब तो कम हो गया पानी, इतना अच्छा मतलब 4-5 फीट हो गया था, इतना कमर कमर था मेरे, अच्छा कमर कमर जितना, अब भी देख सकते हो यहाँ तो और ज्यादा है, तो आप भी गाइस देख सकते हो बहुत ज्यादा पानी है, अब तो और ज्यादा आ गया, अभी भी गाइस आप देख सकते हो अभी भी 3 फीट से ज्यादा पानी, आगे घर हैं,
हम आगे जा नहीं सकते, काफी पानी है, बहुत परेशान है लोग, और कुछ लोग घर छोड़ के चले गए यहाँ से इसी परेशानी को देख के। तीन घर भाग गए। दोस्तों आप देख सकते हो आगे भी गांव में काफी पानी पानी है, और आप इस रास्ते पे भी देख सकते हो, और रात यहाँ भी 3-3 फीट पानी जा, अब तो धीरे धीरे उतर रहा है, पर लोग काफी परेशान है। वो घर छोड़ कर भाग गया सुबह, एक आगे परिवार है वो घर छोड़ के चले गए पानी के कारण। आप देख सकते हो इनके घर पे भी रात 5-6 फीट पानी हो गया था, ये घर छोड़ के चले गए। अभी भी काफी पानी है, सुबह भागे हैं वो, बरसात में कह रहा पानी भर जाओ। अच्छा, घर छोड़ के चले गए। दोस्तों आप देख सकते हो इनके घर पे खाना भी नहीं बना रहा था, मेरा खाइए सुबह इन्होंने रोटी सारे बच्चों ने जगाई नहीं थी, तो उनको पानी, और काफी हर जगह पानी पानी है, और जानवर भी बहुत परेशान है। आप देख सकते हो सामने इनका घोड़ा तांगा है। स्थिति बहुत खराब है, ये इनके घर पे मतलब खाना नहीं बना रात का। आप मेरे घर खाया? अच्छा, आपके घर खाया, और आप जैसे बहुत परेशान है पानी की वजह से। ना तो कोई प्रधान सुनने है, ना कोई सुनने है, सुन कोई नहीं रहा। तो आज का ब्लॉग यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों गांव का नाम है मोतीपुरा, गदरपुर के पास में। दोस्तों ये गाँव वाले यही चाहते है कि हमारे गांव में जो पानी खड़ा हो जाता है बरसात हो गया, इनका नाले का निर्माण हो, और सरकार से कोई बेनिफिट नहीं हो रहा, और ना कोई प्रधान जी सुन रहे हैं। बस गांव वाले यही चाहते हैं कि हमारे यहां का थोड़ा रोड ऊंचा हो जाए, और जो पानी नदियों नालों का जो भी आता है इसके लिए नाले बने बड़े, और पानी निकलने की कोई सुविधा नहीं है। कह रहे तीन चार दिन पानी खड़ा रहता है, और दो दो तीन तीन फीट हो जाता है, और कईयों के तो घरों में पानी ही पानी है। तीन घर वाले भाग गए, और तीन घर गांव के छोड़ के चले गए। वो काफ़ी परेशान थे, रात का पानी पानी हो गया था उनके परिवार में, और बच्चे छोटे थे इसीलिए वो घर छोड़ के चले गए, और एक दो परिवार की टीनें भी गिर गई। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि इन गाँव का थोड़ा निर्माण हो सके, क्योंकि आपके एक शहर से इन गाँव का थोड़ा निर्माण हो सकता है। इस टाइम भी बहुत परेशान हैं बच्चे, बूढ़े, औरतें, और दोस्तों बस यही है, आपसे एक शेयर मांगते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों तक ये बात पहुंच सके, और सरकार इस चीज़ पे थोड़ा गौर फरमाए। थैंक यू गाइस।